ಎಲ್ಲಾ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೇ. तू चाहे जितना भी जोर लगा ले, इस साल की आईपीएल की ट्रॉफी तो हम ही जीतेंगे. तेरी जीतने की औकात नहीं है. तेरी जुबान बहुत चलती है शैतान, बल्ला उससे भी ज्यादा चलता है. साल की आईपीएल ट्रॉफी तू हार जाएगा. यहाँ से तू एक टांग पर जाएगा. मेरी टीम में आ जा, मैं जितवा दूंगा तुझे. सर पर चोटी बांधने वाले हार से नहीं डरते. 11-12 आईपीएल हारने वाले इस साल इस हार से भी नहीं डरते. चल अब निकल यहाँ से. घटिया डायलॉग है. तुम्हारी डायलॉग बाजी होगी हो तो मैच स्टार्ट करे. तो ठीक है, सारे प्लान समझ गए. अच्छे से खेलना है सबको और हमें ये मैच जीतना है आज. ठीक है भाई, क्या तू फोन में लगाया है? अरे भाई मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ. इन्वेस्टमेंट? अच्छा भाई, मुझे भी कोई ऐसा तरीका बताना जिससे मैं अपनी सेविंग को सिक्योर कर सकूँ. यार देख, सेविंग को सिक्योर करना है ना तो कहीं सेफ जगह इन्वेस्ट करना होगा. और गोल्ड से अच्छा ऑप्शन क्या ही होगा सेविंग के लिए, क्योंकि गोल्ड काफ़ी वैल्यूएबल होता है. हाँ यार सही बोल रहा तू. मेरी मम्मी भी कहती है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन यार ज़्यादा पैसे होने चाहिए इसके लिए. अरे नहीं भाई, मैं डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ. यहाँ तू 1 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकता है. अच्छा वो कैसे भाई, और ये डिजिटल गोल्ड क्या है? ये देख, ये अपस्टॉक गोल्ड ऐप है. इस पर हम डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये 100% सेफ एंड सिक्योर है, तो कोई दिक्कत की बात. 24 कैरेट 99.9% प्योर गोल्ड मिलता है, जिसे तू एनी टाइम एनी वेयर लाइव मार्केट प्राइस से बेच और खरीद सकता है विद 24/7 कन्वीनियंस के साथ. और तो और अब तो इनकी होम डिलीवरी भी शुरू होने वाली है. अरे हाँ भाई सही है ये तो. और तो और इस ऐप के थ्रू डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई मेकिंग चार्जेस भी नहीं देना होता. देना है तो बस 3% GST देनी होती है. अच्छा ये तो काफी सही है यार फिर. हाँ तो आज ही अपस्टॉक गोल्ड ऐप डाउनलोड कर और फ्री में अकाउंट बना, और मेरे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके साइन अप करने पर तुझे 51 रुपए का फ्री ई गोल्ड ही मिलेगा. तो देर किस बात की है, अभी डाउनलोड कर और स्टार्ट कर अपनी सेविंग इन्वेस्ट करना. अभी डाउनलोड करता हूँ. सही कह रहा है. चला प्लान तो बता क्या है. इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ कुत्ता हूँ क्या? चल छोड़िए, मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ. जल्दी जा और रन बना के आइयो. Come on, boys, come on. अरे मेरा मतलब boys and girls, आ जाओ. चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैच हम जीत करेंगे, ठीक है? अबे तू कौन है? अरे भाई मैं उसका बड़ा भाई हूँ. उसके ना दस्त लग गए इसलिए घर पे बैठ गया. तो फिर मैं आ गया, मैं खेल लूंगा उसकी जगह. अब क्या करे, मैच तो कंप्लीट करना है, इसको खिला ही लेते हैं. चल ठीक है, तू खेल ले, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैच हम जीत करेंगे. ये आरएसपी वाले ना जीते हैं ना जीतने देंगे, इन्हें हरा के ही छोड़ेंगे, ठीक है? भाई लेकिन हरा देंगे तो छोड़ने का जाएंगे? तू ना चुप रह और फील्डिंग पे लग जा, ठीक है? और ये विराट तो पिस्सू प्लेयर है, इसको तो तू ही आउट कर देगी. ये ले विराट, तुझको तो मैं ही आउट करूंगी. तू वहां लग जा, मैं वहां लगता हूं, ठीक है? अबे यार इसका हर बार का यही है, पहली बॉल पे आउट हो जाता है. चल तू जाते जसवी और छक्के चौके मार गई हो, ठीक है? शाबाश. क्या यार विराट तू भी. बहुत सही किया तूने, ठीक है? अब इस बॉल पे इसको मैं आउट करूंगा. जाओ लग जाओ फील्डिंग, जाओ. अबे यार पिस्सू लड़की, इसको तो मैं पहली बॉल पे आउट कर दूंगा, देख लेना अभी. यार इसको कैसे आउट करूं, इसको सांप वाली बोल दे. शॉट से निराश जरूर है क्योंकि पकड़ा गया है कैच.
सफाई देगी, इसको तो आउट करूंगा मैं, ठीक है? लव बोल दे। छे नहीं आठ नहीं दस रन दीजिए इस शॉट को, इतनी दूर गई है गेंद एकदम स्लॉट में और पार्क किया पार्किंग लॉट में। छे रन मैसिव है, नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दीजिए इस मैदान को, क्योंकि गेंद गई एक बार फिर हवा में। छे रन, छे और छे एक दर्जन रन दो गेंदों में। अबे बॉल इधर दे, मैं आउट करूंगा इसे, तेरे पास की नहीं है, दे कल फील्डिंग पे लग। थोड़ा सा बदलाव करने की है कोशिश, फास्ट बॉलर को बुलाया गया है। यस, पहले मैच आ रहा हूँ बैटिंग पे और ये मैच हम जीत कर ही रहेंगे, ठीक है? चलो मैं बैटिंग कर रहा हूँ। कोई बात नहीं शिवम, अब हमारी बॉलिंग का टाइम आ गया है, दिखा देंगे कि हम जीत के रहेंगे ये आईपीएल की ट्रॉफी। चले जाता है इनके, तो बस की आई नहीं बनाने। सही कह रहा है। यस। अरे ये क्या हो रहा है, इनको पता नहीं आई पिल रद हो गए, बता कर आते। भाई यहाँ क्या खेल रहे हो, तुमको पता नहीं है क्या आईपीएल कैंसिल हो गए? क्या? हाँ, इसका मतलब हम आईपीएल इस साल भी नहीं जीत पाएंगे। ओए यार, हमारी तो किस्मत ही खराब है, जिंदगी में एक आईपीएल जीतने को मिला था वो भी हार गए। सही कह रहे हैं, मैं तो अगले साल से टीम चेंज कर लूंगा अपनी। अरे यार अब मैच कैसे खेलेंगे, इन्हें कैसे हराएंगे? खैर कोई बात नहीं, ये तो हमेशा हारते हैं, हम अगली बार जीत लेंगे। कहाँ रह गया ये? हेलो हेलो। हाँ बेबी। शिवम तुम कहाँ रह गए, मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे बेबी बस पांच मिनट में आ गया, पांच मिनट में। हाँ हाँ बस पांच मिनट में। ठीक है जल्दी आओ। कौन जाएगा? A few moments later. हेलो, तुम कब आओगे? अरे बेबी बस दो मिनट में आ गया, बस दो मिनट में। हाँ हाँ बस आ गया आ गया आ गया, जल्दी आओ। Three hours later. तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? अरे बेबी बस आ गया, दो मिनट में आ गया। अब अरे आपके पीछे खड़ा हूँ, बस देखो आ गया आ गया। अरे यार क्या मजा आ रहा है तुम्हें इस मैच में, मैं नहीं देख रहा तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूँ। एक काम कर, इस फोन को खा जा, मैच देखता है। और मैडम क्या हाल है? चलो ना कहीं घुमा के ले आऊं। बेबी तुम कहाँ रह गए, मुझे यहाँ पे गुंडा छेड़ रहा है। तुम्हारा बेबी नहीं आएगा, मुझे बेबी बना लो, दोनों एंजॉय करेंगे। कम कम कम। आरसीबी दिल्ली 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 दिल्ली। क्या बोल रहा है बे? दिल्ली भाई दिल्ली।
हाँ फिर ठीक है। दिल्ली दिल्ली दिल्ली। अरे बस बस देख रही तेरी दिल्ली, इस साल तो आरसीबी जीतेगी। अबे भाई तू देख लियो, दिल्ली दिल वालों की होती है और दिल्ली ही जीतेगी। अबे तुम गवार हो क्या भाई, आरसीबी जीतेगी क्या होगा, नहीं जीती तो पहले, इस बार तो जीतेगी। और क्या, कोहली बेटा पूरा फॉर्म में है, इस साल पक्का जीतेगी आरसीबी। हाँ वो तो देख लियो। अरे भाई तुम मैच देखो, पता लग ही जाएगा पानी का पानी और दूध का दूध। अबे भाई यूं नहीं होता, दूध का दूध और पानी का पानी होता, तभी नहीं जीत पाती तुम्हारी आरसीबी। हाँ वही वही सेम, देख मैच देख चल। तू क्या मेरी बेइज्जती करने आया क्या? यार मुझे क्या पता था, होता होगा। ऐसे खेल। I think that's what they say. I might have got that horribly wrong, but that's up. Has he got it wrong? It's out. Oh my! मैंने कहा था अंतर को दिल्ली ही जीतेगी, आरसीबी जीतेगी। अबे चल, लैंडी प्लेयर है तुम्हारे सारे के सारे। कोई बात नहीं, अगले साल पक्का जीतेंगे हम। हाँ देख लेंगे अगली बार भी। इस साल तो देखिए मुंबई जीतेगी, आरसीबी कहाँ जीतेगी, वो पिछले साल भी हार के जा चुके हैं। देखियो शर्म वरम नहीं है कहीं, नहीं तुम्हें शर्म नहीं आती हर बार हारने से? ओ भाई इस साल हम पक्का जीतेंगे, क्योंकि इस साल ना विराट कोहली की शादी हो गई, शादी वो भी अनुष्का शर्मा से, पता कौन है वो? अबे लकी चाम है उसका। भाई ना तुम जीतोगे ना तुम्हारी टीम आज तक जीती है, ठीक है, इसलिए चुपचाप बैठ के मैच देख लो, इस बार भी हारोगे और मुंह काला करके जाओगे। अगर हम हार गए ना तो तुम हमारा नाम बदल देना, और बताओ तू इनके नाम सोच सिर्फ। भाई मैं तो इसका नाम सुअर रखूंगा। देखो मैच देख लेना चल। हाँ देख ले, हम ये जीतेंगे देख। और तेरा नाम सुअर नहीं रखूंगा। क्या रखेगा? सुअर नहीं। आवाज तो निकाल ले, कर दे थोड़ा सा। और भाई सुअर हार गए ना। अरे तो करो नाक ऊपर करो सुअर। हाँ अगले साल आते हैं, अभी अगले साल आएंगे पक्का, देखियो छोड़ जाने दे इनके बस की नहीं है इतना। ए, लगता है इस साल भी आरसीबी नहीं जीतेगी। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जीतने का तो। अरे ये फिर आ गए बुड्ढा, आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हो। अरे इस बार फिर हारेगी आरसीबी देख लेना। इस साल हम जरूर जीतेंगे, आरसीबी जरूर जीतेगी। आरसीबी आरसीबी नहीं इस साल मुंबई जीतेगी। अरे यार तुम बस मैच पर ध्यान दो यार, मैच देखो, आरसीबी जरूर जीतेगी। ये बुड्ढे पागल हो गए हैं क्या? तू चौकों पे ध्यान दे। बुड्ढा हार गए ना तुम, अगले साल फिर जीतेंगे। अगले साल तो मर जाएंगे सुनना है। 2000 years later. हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर देना, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। और हाँ एक बात और, अपस्टॉक गोल्ड से आप भी बड़ी आसानी से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपस्टॉक गोल्ड ऐप डाउनलोड करो और शुरू हो जाओ। लव यू, और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय।